दोस्तों आज हम सोल लैंड की न्यू एपिसोड 256 की ट्रेलर को नॉवल के जरिए डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस वजह से आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हमारे ट्रेलर में हम सबसे पहले देखते हैं टेंशन को, जो कि डीप सी डेमोनिक वाले किंग के सोल बोन को अब्सॉर्ब करना स्टार्ट कर चुका होता है। यानी कि टेंशन ने डीप सी डेमोनिक वाले किंग को टोटली मार चुका है और उसे टोटली किल कर चुका है, और उसी के साथ ही साथ टेंशन डीप सी डेमोनिक वाले किंग के सोल रिंग को भी अब्सॉर्ब करना स्टार्ट कर चुका है। जिसके साथ जैसे ही टेंशन इस प्रोसेस को स्टार्ट करता है, तो उसी के साथ ही हम देखते हैं कि डीप सी डेमोनिक वाले किंग की बॉडी से सोल बोन निकलकर बाहर आने लगती है और टेंशन के पास जाने लगती है, और यह वही सोल बोन होती है जिसका इस्तेमाल करके डीप सी डेमोनिक वाले किंग अपनी बॉडी पर प्रोटेक्टिव आर्मर क्रिएट करता था और अपनी बॉडी को किसी भी अटैक से बचाता था, जिसकी कल्टीवेशन 1 मिलियन के करीब है, यानी कि यह गॉड लेवल सोल बोन की बराबर है। हम देखते हैं कि जैसे ही टेंशन इस सोल बोन को अपनी बॉडी के साथ अटैच करना शुरू करता है, तो इस प्रोसेस में टेंशन को काफी ज्यादा मुश्किल होने लगती है और उसे काफी ज्यादा दर्द भी हो रहा होता है, क्योंकि यह कोई आम सोल बोन नहीं है। 1 मिलियन ईयर की सोल बोन को अब्सॉर्ब करना किसी के बस की बात नहीं होती है, और साथ ही साथ इस प्रोसेस में टेंशन के बॉडी से क्रिस्टल्स निकलने लगती है, जिसके साथ ही टेंशन कहता है ये डीप सी डेमोनिक वाले किंग द्वारा तैयार किया हुआ सोल बोन है, और साथ ही यह बिल्कुल एक टॉसो सोल बोन है। जिसके साथ जैसे ही टेंशन इस सोल बोन को अपनी बॉडी के साथ अटैच कर लेता है, तो उसी के साथ ही यह प्रोसेस यहीं पर कंप्लीट हो जाती है और उसी के साथ ही साथ इसकी सोल रिंग को भी अब्सॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी एज मिनिमम 1 मिलियन की करीब होने वाली है, और साथ ही यह एक प्योर गोल्डन रिंग होगी। जिसके साथ जैसे ही टेंशन अपनी हाउटियन हैमर में 10th रिंग को ऐड कर लेता है, तो उसी के साथ ही टेंशन के सोल पावर 96 को ब्रेक करते हुए 99 लेवल तक पहुंच जाता है, और यहां पर टेंशन के 8th एग्जाम कंप्लीट हो जाती है। हम देखते हैं कि जैसे ही टेंशन बाहर आ जाता है, तो उसी के साथ ही सीओ बाई टेंशन के पास आ जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें डीप सी डेमोनिक वाले किंग के सिर को खोलना है, क्योंकि उसमें तुम्हें कुछ चीजें मिलेंगे। जैसे ही टेंशन ये बात सुनता है, तो उसी के साथ ही वो डीप सी डेमोनिक वाले किंग की हेड को ट्राइडेंट की मदद से खोलता है, तो उसमें उसको एक बोल दिखती है जिसको टेंशन अपने हाथ में ले लेता है, जिसके साथ ही सीओ बाई टेंशन से कहती है ये डीप सी डेमन वेल किंग की सिर में रही ट्रेजर है और आने वाले टाइम में इसके बहुत फायदे हो सकते हैं। इसका यूज तुम कैसे करोगे ये तुम पर डिपेंड होगा, आगे कहती है मुझे विश्वास है कि मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। और उसी के साथ ही हम आते हैं सी गॉड पैलेस के व्यू पर, जहां पर सातों सोल मास्टर टेंशन का वेट कर रहे होते हैं। इसमें हमेशा की तरह आगे ड्रैगन मास्टर होते हैं और बाकी सोल मास्टर पीछे होते हैं। तभी टेंशन अपने दोस्तों के साथ वहां पर आ जाता है। हम देखते हैं कि सभी सोल मास्टर काफी ज्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता होता है कि टेंशन के 9th टेस्ट में बो साइशी ने अपनी सैक्रिफाइस करने वाली है, जिसके साथ ही ड्रैगन मास्टर टेंशन से कहता है हमें तुम्हारे आने का इंतजार था, लॉर्ड बो सैक्सी आपका इंतजार कर रहे हैं सी गॉड टेम्पल में। तभी टेंशन नोटिस करता है सभी लोग दुखी है। ये देखकर टेंशन ड्रैगन मास्टर से पूछता है सी ड्रैगन मास्टर आपके चेहरे इतना बदसूरत क्यों है, आखिर सी गॉड आइलैंड पर ऐसा क्या हुआ है। जिस पर ड्रैगन मास्टर बहाना बनाते हुए कुछ नहीं बताते और टेंशन को अंदर जाने के लिए कहते हैं। हम देखते हैं जैसे ही टेंशन अपने दोस्तों को लेकर अंदर जाता है, तो उसी के साथ ही बो साइशी टेंशन से कहती है टेंशन तुम आ गए। जैसे ही टेंशन बो साइशी को देखता है, तो उसी के साथ ही वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि बो साइशी काफी ज्यादा बूढ़ी चुकी होती है। ये देखकर टेंशन काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच कुछ बातें चलने लगती है। इसकी अगली सीन में हम देखते हैं बो साइशी टेंशन के 9th टेस्ट को स्टार्ट कर देती है, जिसके साथ ही बो साइशी कहती है टेंशन क्या तुम तैयार हो। ये कहते ही वो अपनी पावर को यूज करना स्टार्ट कर देती है। वैसे दोस्तों यह 9th टेस्ट कंप्लीट होने के बाद ही टेंशन एक सी गॉड बनेगा। और इतना कहते ही आज का हमारे एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।